नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार, सबसे पहले सुर्खियां। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर जुर्माने के साथ किया 7 साल की सजा का प्रावधान। पिछले 24 घंटे में आए 1383 नए मामले सामने, 50 लोगों की हुई मौत। गोवा के पर्यटन मंत्री ने कहा, भारत में 0 कोरोना मामले होने पर ही गोवा में शुरू होगा पर्यटन। मार्क जुकरबर्ग जियो में करेंगे 43,574 करोड़ रुपए का निवेश। मुकेश अंबानी की कंपनी में फेसबुक की होगी 9.99% की हिस्सेदारी। इटली और स्पेन में कोरोना से हो रही मौतों की संख्या घटी, 24 घंटों में इटली में 433 और स्पेन में हुई 399 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र ने आज हमलावरों के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए IMA के अध्यक्ष ने धन्यवाद कहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गंभीर हमले के मामलों में हमलावरों को 6 माह से 7 साल तक की कैद की सजा व 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा, महामारी से देश को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल स्वास्थ्यकर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं, उन पर इस तरह का हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ किसी तरह का हमला या शोषण की घटना असहनीय है। इसके तहत एक अध्यादेश लाया गया है जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। और इसके साथ भारत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1383 नए मामले सामने आए और 50 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 19,984 हो गई है, जिसमें 15,474 सक्रिय हैं, 3,870 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 640 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ आज सरकार ने फैसला किया है कि देश में कोरोना वायरस पर हालात की जानकारी देने के लिए हर रोज शाम 4 बजे होने वाली स्वास्थ्य मंत्रालय की दैनिक स्वास्थ्य ब्रीफिंग अब सप्ताह में 4 दिन होगी। साथ ही प्रेस विज्ञप्ति और कैबिनेट ब्रीफिंग वैकल्पिक दिनों पर की जाएगी। गोवा के बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो ने बुधवार को कहा कि गोवा में पर्यटन गतिविधि की अनुमति तभी दी जाएगी जब भारत में एक भी कोरोना वायरस का मामला नहीं होगा। यहां तक कि पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने भी कहा कि तटीय राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए केंद्रीय सरकार ने पैकेज के लिए बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत में उद्योग फिर से तभी खुलेगा जब देश में कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं रहेगा। लोगों ने पहले ही ब्रीफिंग में कहा था कि अगर कोरोना वायरस के मामले अन्य राज्यों में शून्य पर नहीं जाते हैं, जैसे कि यह गोवा में रह रहा है, तो कुछ भी फिर से शुरू नहीं होगा। घरेलू एयरलाइंस भी अभी फिर से शुरू नहीं की जा सकती हैं। लोगों ने कहा कि आप केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में वायरस को समाप्त करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए लोबो के साथ पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने कहा कि गोवा के पर्यटन को महामारी के कारण एक बड़े झटके का सामना करना पड़ रहा है। फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो जाएगी। भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे बड़ा FDI है। दोनों कंपनियों के बीच इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यह मूल्यांकन डॉलर के मुकाबले रुपए को 70 मानकर किया गया। नियामक की मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक जियो में सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगी। भारत में करीब 100 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। फेसबुक के लिए भी भारत सबसे बड़ा बाजार है।
फेसबुक की सब्सिडरी व्हाट्सएप के भी भारत में 40 करोड़ यूजर हैं। रिलायंस जियो के देश में 38.8 करोड़ यूजर हैं। डील के बाद भी रिलायंस जियो इन्फोकॉम जियो प्लेटफॉर्म की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई बनी रहेगी। दुनिया में कोरोना के एपिसेंटर रहे इटली और स्पेन में मौतों की संख्या घटी है। 24 घंटों में इटली में 433 मौतें हुई, यह एक हफ्ते में सबसे कम आंकड़ा रहा है। स्पेन में 24 घंटों के दौरान 399 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे एक दिन पहले मरने वालों की संख्या 410 थी। फ्रांस में भी पिछले 24 घंटे में 395 मौतें हुई। शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी जेरोम सालोमन के मुताबिक लगातार 5वें दिन अस्पताल में भर्ती होने वाले कम हुए। इनमें 29 लोगों की कमी आई है। आईसीयू में भर्ती होने वालों की संख्या लगातार 11वें दिन घटी है। यूरोप में 11 लाख लोग संक्रमित हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि देश में अभी लॉकडाउन नहीं हटेगा। कोरोना की दूसरी वेव को लेकर वह चिंतित हैं, इसलिए ढील देने के पक्ष में नहीं है। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो। धन्यवाद।